सर्वप्रथम हमारे यहाँ उपस्थित सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया बंधुओं को मैं हम सब कंसल्टेंट की ओर से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। साथियों, जैसा कि हमारा आज जो मुद्दा है तो हमारा नगर निगम को लेकर के है, नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर के है। आज हमें आपकी ज़रूरत पड़ी, हमें लोकतंत्र के आपके चौथे स्तंभ की ज़रूरत पड़ी। जिस तरीके का व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार नगर निगम में चल रहा है तो समूचे पूरे कंसल्टेंट रीवा की आम जनता उससे काफ़ी प्रभावित है। जोन क्रमांक 3 में हमारे बिल्डिंग ऑफिसर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, कुल मिला के जो उनकी कार्यकारिणी है, जितने अधिकारी जोन क्रमांक 3 में काम कर रहे हैं, वो एक भ्रष्टाचार को एक नया रूप दे रहे हैं। उनके पीछे हमने कितने आपके माध्यम से लोगों को अवगत कराया, हमारे आयुक्त महोदय को अवगत कराया, हमने महापौर जी को अवगत कराया। महापौर जी ने इस पर निर्णायक स्थिति पे निर्णय लेते हुए MIC की बैठक में इसको पारित किया, उनको हटाने का आदेश जारी कराया, लेकिन आज दिनांक तक वो वहीं जमे डटे बैठे हुए हैं। इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत काम कर रही है कि आयुक्त महोदय सरेंडर है? आयुक्त महोदय कहती हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, तो किसके बस की बात है? नगर निगम के अधिकारी, अगर आपके बस की बात नहीं है तो किसके बस की बात है? नगर निगम के अधिकारी, हम किसके पास गुहार लगाने जाएंगे? किसको हम अपनी दुख की ये पीड़ा बताएंगे? जिस तरीके से गला काटने का खुलेआम काम नगर निगम जोन क्रमांक 3 में चल रहा है, उसकी सुनवाई कौन करेगा? और हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य, हम साक्ष के साथ बैठे हुए हैं आज, कोई हम लफड़बाजी करने नहीं बैठे हैं। हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं जिसमें ये साबित होता है कि दिलीप त्रिपाठी जैसे व्यक्ति नगर निगम में बैठकर खुलेआम जनता का गला काट रहे हैं। 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, खाली प्लाटों में 10,000 रुपये, ये कौन कहां से ला के देगा? ये गरीब जनता कहां से ला के देगी? उनको हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप परमिशन लो, कंसल्टेंट हमारे सभी प्रोत्साहित करते हैं कि आप परमिशन लो। उसके बाद क्या उनकी दशा होती है? नगर निगम में सिस्टम चालू होता है, बाबू से 2,000, बिल्डिंग इंस्पेक्टर से 5,000, BO को 10,000, SE को 15,000, ये क्या तरीका है? ये कैसे नगर निगम का संचालन अधिकारी करेंगे? ये नगर निगम खुलेआम एक लूट का अड्डा बन गया है। कंसल्टेंटों पे अनावश्यक दबाव बनाया जाता है कि आप पैसे की का पैसा लेकर के हमको हमारे कहीं पर्स में डाल दो, कहीं हमारे गाड़ी की डिक्की में डाल दो, कहीं हमारे गाड़ी के हमारे चार चक्का के पीछे टायर के नीचे दबा दो। इस तरह से काम चलेगा क्या? हम अपने प्रिंट मीडिया, हमारे मीडिया में ही भास्कर न्यूज़ में MIC की बैठक में इनको हटाने का निर्णय लिया गया और आज दिनांक तक ये वहीं विराजमान है और उसी एटीट्यूड में ये काम कर रहे हैं। दैनिक जागरण में ये निकला, ये न्यूज़ दैनिक जागरण की निकली और ये हमारे कुछ प्रकरण हैं जिसमें आप, कुछ प्रकरण तो ऐसे भी हैं साथियों कि जिसमें सोचिए परमिशन जारी कर दी गई थी पूर्व में, उनको उनका समय सीमा बढ़ाने के लिए उन प्रकरणों को फिर से प्रस्तुत किया गया, उसके बाद भी ऐसे घूसखोर दिलीप त्रिपाठी जैसे लोग उसको लिख देते हैं अधोसंरचना का अभाव। मतलब नगर निगम खुद ही अपनी बातों पे पीछे हट रहा, खुद भी अपनी बातों पे पीछे हट रहा। एक बार तो परमिशन जारी करते हो, जब उसके समय अवैध बढ़ाने के लिए बात की जाती है तो कहते हो अधोसंरचना का अभाव। तो ऐसे तो पूरा रीवा आप घोषित कर दो कि अवैध है, मत जारी करियो, करो परमिशन आप। क्यों किसी गरीब को बेचारे को फंसा करके और नगर निगम का हवाला दे करके उसका विकास बता करके और यहाँ लूटने का काम कर रहे हो आप लोग? ये आपके कुछ हमारे सामने, आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा मैं इसमें, और कुछ फाइलों में तो ये फाइलें खेल रहे हैं। दिलीप त्रिपाठी बिल्डिंग परमिशन के सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनके हाथों से परमिशन जारी होना है, तो वो क्या करते हैं कि नीचे के अधिकारी जब उन तक फाइल भेजते हैं तो उसकी फाइलों को पुनः अपने अधिकारी पर लौटा देते हैं। अब इनका भाई अधिकारियों का भी कुछ लेन देन उनके साथ कुछ रहा होगा कि भैया तुम पूरा करो तब तो आगे बढ़ाऊं मैं। तो मतलब साथ साथ रीवा की जनता, हम कंसल्टेंट और इनके अधिकारियों से भी लेन देन मुझे लगता है बाकी है। अब कुछ तो कहते हैं दिलीप त्रिपाठी जी साथ 5,00,000 रुपये देकर उस कुर्सी में डटे हैं, ऐसा सुनने की हमको आया है जानकारी, लोगों द्वारा हमको मिली है ऐसा कुछ। अब 5,00,000 देकर ये 50,00,000 कमाने का सपना देख रहे हैं, अगले साल ये रिटायरमेंट होने वाले हैं। अरे भैया, जब तुमको साधु बनना है तो जाओ कहीं हिमालय चले जाओ, क्यों बैठ के यहाँ दुर्दशा कर रहे हो नगर निगम की, जब तुमको परमिशन ही जारी नहीं करना है। और सबसे आश्चर्यजनक बात साथियों, आज जब से इन्होंने पदभार संभाला है 60 दिनों का कार्यकाल हो चुका, 68 फाइलें लगी हैं,
68 फाइलों में के बाद इन्होंने 4 फाइलें स्वीकृत की हैं। 4 फाइलें, सोचिए कितना गंभीर विषय है। और सारी फाइलों को एक एक दिन में बैठ करके 25-25 फाइलों का रिकॉर्ड बना रहे हैं ये, निरस्त करने का मतलब उनकी समाप्त करने का, फाइलों का रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब ये दिन में बनाते हैं रिकॉर्ड की, रात में बैठ के रिकॉर्ड बना रहे हैं, होश में बना रहे हैं कि बेहोशी में रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब कुछ फाइलों में जहां लिफाफा जा रहा तो उनको सारे नियमों को शिथिल करते हुए वो फाइलें अप्रूव की जा रही हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक दिलीप त्रिपाठी जैसे भ्रष्टाचारियों को, घूसखोर व्यक्ति को नगर निगम से जब MIC की बैठक में निर्णय हो चुका है, तो आयुक्त महोदय से हमने आपको भी जानकारी है, हमने 5 तारीख को उनको आवेदन दिया, हमने एक ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचना दिया, हमने 11 तारीख को भी उनको ज्ञापन के माध्यम से सूचना दिया, उसके बावजूद MIC की बैठक में निर्णय होने के बाद भी ये डटे हुए हैं कुर्सी में। और इनके पीछे कौन सी ऐसी ताकत काम कर रही है कि मजबूती से आप लोग आगे रखो, ताकि इनके इनकी जो चमड़ी है वो काफ़ी मोटी हो चुकी है, रिटायरमेंट की कगार में है। कोई कहता है कि लंबी मोटी रकम देकर आके बैठे हैं, तो भैया वो तो साल भर लूटेंगे ही, तो हम उनको लूटने नहीं देंगे, हम अपने रीवा की जनता को लूटने नहीं देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनका जो रवैया रहेगा, अगर इसी तरह से वो काम करते रहेंगे और उनको अगले महीने के मतलब हफ्ते भर के भीतर अगर उनको नहीं हटाया जाता, अगर उनको बिल्डिंग परमिशन से पृथक नहीं किया जाता, तो जिस तरीके से हम सभी कंसल्टेंट अभी हम काम जोन क्रमांक 3 ने पूरी तरीके से बंद कर रखे हैं, हम आगे भी बंद कर रखेंगे, क्योंकि हम अपना आत्मसम्मान नहीं बेचेंगे और हमारी रीवा की जनता का बेचने नहीं देंगे। यहाँ हमारे सर्वाधिक पत्रकार बंधु बैठे हैं, आप सभी रीवा के नगर निगम में कहीं क्षेत्र में आप भी रहते हो, आप भी उसी से बिलोंग करते हैं, तो क्या हम इस तरह का अत्याचार सहेंगे क्या? जिस तरीके से अनावश्यक दबाव बना रहे हैं ये लोग, तो हम इस दबाव को नहीं सहेंगे, जिसके तहत हम सब यहाँ आज एकत्रित हैं और हमारे कुछ साक्ष्य हैं जिसको आपके सामने हम प्रस्तुत भी करेंगे कि इनके जैसे घूसखोर मतलब चरम सीमा इन्होंने पार कर दी, नगर निगम की सारी हदी पार करके इनको सिर्फ पैसा चाहिए, इनको पैसे की हवस में इतना ये मदमस्त हो चुके हैं कि अब इनको अधोसंरचना चाहिए। रीवा में अभी अधोसंरचना खोज रहे हैं, जिस पैसे में अच्छा मालदार मिल जाता है पैकेट, वहाँ अधोसंरचना गायब हो जाती है। कुछ प्रकरणों में ये परमिशन से अधिक नियमों को, सारे नियमों को शिथिल करते हुए परमिशन 100% जारी करते हैं, तो वहाँ अधोसंरचना कहाँ चली जाती है, वहाँ आपका नियम कहाँ चला जाता है, वहाँ TNCP की अप्रूवल कहाँ चली जाती है, तो वहाँ तो सारे नियमों को शिथिल कर दिया गया। तो खुलेआम दिलीप त्रिपाठी जैसे लोग यहाँ बैठ करके रीवा में रीवा नगर निगम को, पूरे नगर निगम को दूषित करने का काम कर रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर हाथ ऐसे खड़ी कर दी, हमारे बस का कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते आपकी मदद। महापौर से मिले थे तो क्या बोले, महापौर जी ने इसका निर्णायक जारी करते हुए इन्होंने हमारे पक्ष में 9/2023 हमारे पक्ष में आदेश जारी करते हुए, आपको प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने इसको छापा है, नहीं नहीं ये प्रिंट में आया है और ये आदेश भी है, पॉइंट नंबर 10 पे ये आदेश की कॉपी है। शासन का आदेश आया था क्या? माननीय महापौर त्रिपाठी है कौन, किस पद में है? दिलीप त्रिपाठी बिल्डिंग ऑफिसर के पद में काम कर रहे हैं और आपके जोन क्रमांक 3 में काम कर रहे हैं और SDO के पद में हैं और मोटी रकम देकर आए हैं, तो उसकी वसूली चालू है भैया। आप लोगों से मोटी रकम मांगते हैं, सब हमसे मोटी रकम मांगते हैं और वो यहाँ कोर्ट से स्टे लेकर के बैठे हुए हैं। शासन का आदेश आगे इसकी बात भी शासन का MIC का आदेश अभी है, इसकी कॉपी 13 तारीख को बैठक 13/9/2023 को MIC ने महापौर ने त्वरित निर्णय लेते हुए 13 तारीख के MIC को उनको हटाने का आदेश जारी किया। माननीय कमिश्नर महोदय ने आदेश अभी होल्ड करके रखा है, वो नहीं हटा पा रही है, उनको पता नहीं किस चीज के किस दबाव पे है। मतलब सीधी सीधी दो लाइन है कि यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दम से बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं, सीधी सी बात एक लाइन की है। देखिए भाई साहब, पिछले 20 साल से पूरा शहर अवैध कॉलोनी से पट गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, सब साथ में काम कर रहे थे, साथ में काम दे रहे थे और कर रहे थे, करा रहे थे। महापौर जी आए, उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकना चाहा, हम लोग उनके साथ काम किए थोड़ा बहुत, तो अधिकारियों को घूस देना बंद किए, तो ज़्यादा तकलीफ जाने लगी, फाइलें रिजेक्ट होने लगी। अभी तक सब अच्छा चल रहा था, आपने आज तक कभी कंसल्टेंट की प्रेस वार्ता सुनी नहीं, लेकिन आज कुछ ना कुछ बात आई होगी, तकलीफ में होंगे हम या आम जनता, हम एक माध्यम है कॉरपोरेशन में फाइल लगाने के लिए, हम लोगों को दलाल बना दिए हैं,
मतलब आप फाइल तब लगाओगे जब आप अधोसंरचना का विकास करोगे। कैसी अधोसंरचना? कि ग्राउंड फ्लोर में 40% का ग्राउंड कवरेज अप्रूव है और फर्स्ट फ्लोर में 100% का ग्राउंड कवरेज अप्रूव है और साथ में फाइल है उसकी, मतलब ये कोई हवा हवाई की बात नहीं है, प्रमाण है, डिजिटल साइन कर रहे हैं। और आप एक चीज ये बताइए, आप एक सक्षम प्राधिकारी हैं, आप 1 बजे फाइल को सैंक्शन करते हैं और 5 बजे पुनः रिटर्न करके उसमें एस्टिमेट का सुधार करते हैं, मतलब राजस्व की हानि कर रहे हैं आप, सीधी सी बात। और एक तय समय सीमा 30 दिन की बनाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि नगर पालिक निगम रीवा में आज तक ईज ऑफ डूइंग के अंतर्गत 30 दिनों की समय सीमा क्रॉस होने के बाद आज तक कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं हुआ। क्या ऐसा संभव है कि सारे के सारे काम इनके द्वारा तय समय पे किए जाते हैं? अगर तय समय में नहीं हुए तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा नक्शा है जो आपने 30 दिनों के बाद डीम्ड स्वीकृत किया है? और जैसा अभी आप पूछ रहे थे कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई क्यों शुरू हुई, मैं ये कहता हूँ भ्रष्टाचार की लड़ाई का आगाज कभी भी हो वो अच्छा है। भ्रष्ट आचरण जब दिखने लगे, भ्रष्टाचार जब समाज में परिलक्षित होने लगे, जब उसकी रूप बड़ा होने लगे, तो उसका दमन, उसको ख़त्म करने की आवश्यकता इस समाज को होती है। और ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई रीवा के लोगों की लड़ाई है, उससे कंसल्टेंट बिरादरी उसका माध्यम है। इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी का हित प्रभावित हो रहा है तो रीवा की जनता का हो रहा है।